बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हों ठीक ठाक होंगे और जहां पर भी होंगे हैरो हरियत से होंगे। तो चलें जी, अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पे आई हुई थी मार्केट, और यहां पर जो है वो हम आए थे अबीहा के मार्केट आए थे वैसे ही। तो हम फिर मार्केट गए, हमने देखा कि अबीहा के लिए शूज़ कुछ अच्छे लग जाएँ तो ले लें। हालांकि बच्चों के पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मार्केट में उनकी कुछ चीज़ें देख के अच्छा लगता है, फिर बंदा ख़रीद लेता है। और यहाँ से ये सामने टोको और टैली थे, उसके साथ ही यहाँ पर साथ ही जो है वो एक्शन है। तो जब बंदा आया हो तो फिर एक ही दिन में कई दफ़ा ये होता है कि बंदा सारी मार्केट्स को जो है वो चक्कर लगा लेता है। यहाँ पे जो मैं एक्शन पे आई थी, और यहाँ पे क्रिसमस के बाद है तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तो बहुत कम रह गई हुई थी, लेकिन मैंने देखा कि अगर कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए उनमें से देख लेती हूँ। काफ़ी अच्छी जो है क्रिसमस के लिए कलेक्शन आई हुई थी, बर्तनों की भी और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आई हुई थी। कुछ वो चीज़ें थी कि जो क्रिसमस के लिए लोगों ने इतनी सारी ख़रीदी थी कि अब वो कुछ जो है वो रिगार्ड्स बिल्कुल फ्री थी, और दोबारा से वो वीकेंड के बाद क्रिसमस के बाद जो है उनको फिल कर रहे थे। तो यहाँ पे इस साइड पे जो है वो मैं मुझे कुछ चीज़ें हास नहीं चाहिए थी, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैं इस मार्केट से नहीं, वो मैं कोफलैंड से ले आई थी। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ये वाला स्टैंड लगा था, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं इसको भी ले नहीं सकती थी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ जो है मेरे किसी टेबल पर साइड टेबल पर मैं अभी कुछ भी चीज़ जो है वो इस तरह से नहीं रख सकती, या कोई इस तरह से पार्लर में चीज़। उसकी वजह ये थी क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी छोटे हैं, तो बुरहान जो है उसका काम होता है दिन में 10 बार जो है उठा के बताना मामा ये चीज़ है, तो इस तरह से फिर वो जो है वो हराम करते हैं। तो नहीं अभी ले सकती इस तरह की चीज़ें, मैंने कोई भी चीज़ इतने प्यारे प्यारे डेकोरेशन के पीसेस जो हैं ख़राब करने के बाद अब छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर फिर मैं जो है पानी लिया था, उसके बाद बच्चों वाली साइड पे आई, मैंने कहा कि इधर से अगर बच्चों के लिए कोई टॉय वगैरह जो है वो अच्छा सा मिल जाए तो वो देख लूँगी। यहाँ पे जो है वो मुझे आर्टिफिशियल जो हैं वो फूल वगैरह जो हैं वो थे, तो मुझे देखना था कि इनमें से अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी सी मिल जाए और मुझे जो है वो प्यारा सा जो है वो मैं ले लूँ कुछ। तो उसके बाद फिर नॉर्मल जो है घर आए, तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड वो फिश जो है वो हम कल कोफलैंड से लेके आए थे, तो वो इसको मसाला वगैरह लगा हुआ था, तो इसको सिर्फ जो है हल्का सा हम खुद से स्पाइसी करने लगे हैं, लेकिन हमें पता है कि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। यहाँ पे जो है उन्होंने मेल लिया हुआ है, और मेल में जो है इसको थोड़ा सा मेल लगा के ताकि थोड़ी क्रिस्पी सी हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो खाना वगैरह रेडी हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो उन्होंने लंच बनाया था आज का, क्योंकि आज मेरी बर्थडे थी, और मैं बर्थडे बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करती, बच्चों की करती हूँ और हस्बैंड को सरप्राइज़ वगैरह देना हो तो, अदरवाइज़ मैं अपनी नहीं करती। तो उसके लिए बस हमने ये था कि लंच यही बनाया था, और बहुत ही टेस्टी बना था फ़िश, और साथ में जो है वो ब्रोड्स थी वो इसमें अवन में जो है वो हमने थोड़ी देर के लिए इसको गर्म करके तो गर्म किया था। और यहाँ पर ये जो है ये बहुत ही प्यारा सा जो है ये देख लें, ये गुलाब के जो हैं गुलाब का पौधा कह रहे हैं वो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे, क्योंकि फूल जो हैं हमारे घर में अब बिल्कुल नहीं यूज़ हो सकते, सारे घर में जो है सारे रूम्स में हाइसिंथ चल रहे होते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल वो 2-3 दिन के बाद ही उनकी वो जो है फ्रेशनेस नहीं रहती। तो सिर्फ ये जो है ये पौधा है, इसको भी किसी रूम में एडजस्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन इसको जो है मैं किचन में एडजस्ट करूँगी। उसकी वजह ये है कि क्योंकि वहाँ पे जो है वो मैं हाइसुंग बंद भी कर देती हूँ, उसकी विंडो भी ओपन रहती है, तो इस चीज़ के लिए ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो उसके साथ ये जी ये यहाँ पे जो है जो लोग जर्मन में रहते हैं उनको पता होगा, उनके साथ तो ये बीती है कि ये इतनी ज़्यादा लेटर आते हैं, लेटर वर्क इतना ज़्यादा है, पेपर वर्क, तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ोटो कापीज करनी पड़ती हैं, प्रिंट लेने पड़ते हैं काफ़ी चीज़ों के। तो उसके लिए फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो प्रिंटर ले कर आए थे, तो उसको इस तरह से जो है वो उसके अंदर जो कलर है ब्लैक और कलर जो है वो इंस्टॉल कर रहे थे, तो उसको करने के बाद अब इसको जो है यहाँ पे सेट कर लिया और पेपर वगैरह लगा के, तो अब इसकी यहाँ पे कुछ फोटो कापीज कर रहे हैं।
तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ, और इसको भी इधर यहाँ पे रख के सिर्फ इसको जो है वो देख रहे थे कि जो चीज़ें मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वो ठीक से हो गई हैं। इसको फिर यहाँ पे प्रॉपर इसकी जगह पे जो कंप्यूटर कह रहे लैपटॉप, मैंने तो लैपटॉप रखा होता था, लैपटॉप टेबल पे ले आए हैं, तो यहाँ पे ही है, लैपटॉप भी रख लेंगे, और ये इसके साथ स्विच भी है यहाँ पे, और यहाँ पे ही जो प्रिंटर होगा। और फिर यहाँ पे हस्बैंड देख रहे थे, ये तकरीबन रात 9-10 बजे का टाइम है, बच्चे सो चुके थे, तो यहाँ पे देख रहे थे कि कौन से पेपर जो है उनको कॉपी करना है, तो उनकी कॉपीज कर रहे थे। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ मिल गई है क्योंकि इसकी ज़रूरत भी थी। आप यकीन करें कि सब कुछ जो जर्मन में रहने वाले लोग हैं उनको पता है, इतना पेपर वर्क, खास करके COVID-19 के बाद तो पेपर वर्क इतना ज़्यादा हो गया कि बाद का जो है इंसान बस घूम जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो उस सब के बाद जी फिर यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे केक कह रहे हैं, या वैसे उनको गिशिंक मिला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद टेप, फेंसिल टेप हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और फेंसिल टेप बना रही थी हस्बैंड के लिए। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ये जो आप टेप पीते हैं तो ये तो पानी की तरह है, किस तरह से आप पी लेते हैं, लेकिन इसका ये ग्रीन टी, एज ए ग्रीन टी आप यूज़ करें, आप खाने के बाद यूज़ करें, यकीन करें कि एक तो आपका खाना बड़ी जल्दी हज़म हो जाता है, दूसरा वैसे भी इतनी अच्छी होती है, और इतनी ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने के बाद ये पिए, क्योंकि ज़्यादा कॉफ़ी और ज़्यादा चाय जो है वो हम अपने अंदर इतनी हीट कर लेते हैं, लेकिन ये जो है इसको पियेंगे तो उसके कॉफ़ी और चाय से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा जो है हम एक दिन में एक बार मस्ट ही पी लेते हैं, वैसे काफ़ी भी पीते हैं। तो कल का मौसम तो वैसे भी बहुत अच्छा था क्योंकि हम जब बाहर गए थे तो यकीन करें कि बारिश लगी हुई थी, काफ़ी दिन के बाद बारिश में बाहर गए और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि सर्दी नहीं थी, जब बारिश हो रही हो तो सर्दी नहीं होती, आपको पता है, या स्नो हो रही हो तो उस टाइम पे सर्दी नहीं होती, तो वो भी एक अपना ही मज़ा होता है बाहर जाने का। तो वैसे मॉर्निंग में जो है वो मैं चाय ही पीती हूँ, तो यहाँ पे जो है वो बन चुकी है टे टे को, अब जो है वो मैंने सिर्फ जो छोटी है मज़े है वही चीनी की डाली है, उसके साथ कल हम निकाल लिए हुए थे, और ये जो 2 बजे थे वो मैंने सोचा कि दोबारा से हस्बैंड को दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी इतने लाइक नहीं कर रहे थे, और मैं भी जो है वो मीठा वगैरह था, लेकिन बहुत मज़े के थे क्योंकि इसमें दालचीनी का फ्लेवर था, तो वो इस वजह से काफ़ी टेस्टी और काफ़ी मज़े के लग रहे थे। और इस टाइम पे बाहर बारिश हो रही थी बहुत मज़े की, और सारी विंडोज़ जो हैं किचन वाली वो ओपन हों, और इस तरह से बारिश की जो वो अपनी ही आवाज़ और अपना ही वो एक अच्छा सा फील होता है ना, वो देख के बहुत मज़ा आता है। तो चलें जी, आप मेरे व्लॉग को किए रहे इंजॉय, तो यहाँ पे ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।